आज की जो वीडियो का टॉपिक ये है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान में 79 डेज में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस ना जाके, यार पिक्चर मैं यहाँ चला रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उधर फॉलो करो, ठीक है। कोई भी बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टा में डीएम भी कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी। आज का जो वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 79 डेज में कितना बिजनेस किया है। तो फाइनली फाइनली द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान में 100 करोड़ कमाने में कामयाब हो गई है। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ये हिंसा जो अबूर किया वो 79 डेज में किया है। तो आइए यार, वीक वाइज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो ये इसने वीक वन में किया है जी 20.3 करोड़, और वीक टू में बिजनेस किया है 16.46 करोड़, और जो वीक थ्री में किया है 16.27 करोड़, और जो वीक फोर में किया है जी 14.15 करोड़, वीक फाइव में किया है जी 80.31 करोड़, जो वीक सिक्स में किया है जी 7.2 करोड़, जो वीक एट में किया है जी 3.84 करोड़, वीक नाइन में किया है 3.17 करोड़, वीक टेन में किया है जी 2.06 करोड़, वीक इलेवन में किया है जी 2.85 करोड़, और जो 12th फ्राइडे में इसने कलेक्ट किया है जी 0.45 करोड़। और जो अगर हम बात करें जी 79 डेज, और जिसको हम 12th सैटरडे भी कहते हैं, उसमें इसने किया है जी 53 लैक्स। टोटल पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है 100.35 करोड़। तो फाइनली इसने यह हिंसा बूर कर लिया है 100 करोड़ का। अब भी इसकी जो नजरें हैं 120 करोड़ मार्क है। देखते हैं जी ये कलेक्ट कर पाती है कि नहीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस में अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग जा रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 120 का भी फिगर क्रॉस कर जाएगी। और अगर हम बात करें जी वर्ल्ड वाइड की, तो जी वर्ल्ड वाइड में इसने 230+ करोड़ कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में ये 250 करोड़ का भी हिंसा बूर कर लेगी। जुड़े रहें लॉलीवुड बॉलीवुड रिलेटेड न्यूज के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार। जो भी नए नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।